हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल माइलस्टोन क्रिएटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग अ मोबाइल फोन। अगर आप कोई नया मोबाइल खरीद रहे हैं और मोबाइल एक्सचेंज कर रहे हैं उसके खरीदते टाइम, तो उन कौन सी पॉलिसीज पे बेस होकर आपका मोबाइल एक्सचेंज होगा। अगर कुरियर बॉय आपके पास आता है मोबाइल रिसीव करने के लिए, तो वो किन पॉलिसीज पे बेस होकर रिसीव करेगा या रिसीव नहीं करेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका मोबाइल रिसीव होगा या नहीं होगा, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेट स्टार्ट विद द पॉलिसीज। यहाँ पे हमारे पास 5 पॉलिसीज हैं जिन पे बेस्ड आपका मोबाइल एक्सचेंज होता है या नहीं होता। पहला पॉइंट है, पहला चेक है कि डिस्प्ले शुड बी क्लियर। आपका जो पुराना मोबाइल है उसका डिस्प्ले क्लीन होना चाहिए, आपके डिस्प्ले में कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आजकल तो सब स्क्रीन गार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो किसी के मोबाइल में डिस्प्ले स्क्रैच नहीं होता है, लेकिन आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आप एक्सचेंज करने जा रहे हैं तो आपके डिस्प्ले में कोई स्क्रैच ना हो। सेकेंड पॉइंट है नो टच इशू। आपके मोबाइल में जो टच बटन्स हैं, टच पैनल है, उस पैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका एक बार टच करने पे वर्क करना चाहिए। अगर आपका वर्क नहीं कर रहा होगा तो ऑन द स्पॉट कुरियर बॉय आपका मोबाइल रिजेक्ट कर देगा और आपका मोबाइल एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखें। और थर्ड पॉइंट है स्क्रैच शुड बी नॉट डेंस। इसका मतलब यह है कि मोबाइल अगर पुराना है तो ऑब्वियसली उसमें तो स्क्रैच आएगा ही आएगा, लेकिन स्क्रैच जो है उनकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। इसका मतलब आपका जो मोबाइल में स्क्रैच हो रहा है वो इतना गहरा नहीं होना चाहिए कि वो बाहर से दिखने लगे, बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगे। अगर ऐसा होता है तो वो लोग मोबाइल एक्सचेंज नहीं करते हैं, कुरियर बॉय वहीं पर आपका मोबाइल रिजेक्ट कर देता है और आपको फुल पेमेंट करनी पड़ती है। सो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो स्क्रैच डेंस नहीं होना चाहिए। और हाँ, स्क्रैच डेंस नहीं होना चाहिए, ये अबाउट बॉडी था, लेकिन अगर स्क्रीन है तो आपका बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। स्क्रीन में तो नो स्क्रैच अलाउड। एंड यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट है नेल शुड नॉट गेट इनसाइड अ बाउंड्री ऑफ अ मोबाइल फोन। नॉर्मली क्या होता है, पहले जो मोबाइल फोन्स आते थे उनकी बैटरी रिमूवेबल होती थी, तो यहाँ पे बैटरी रिमूवेबल होती थी तो लोग के मोबाइल में अगर कुछ हो जाता था, कुछ ख़राब हो जाता था या काम नहीं करता था, तो बैटरी रिमूव करके नॉर्मली बैटरी डाल देते थे और मोबाइल चलने लगता था। लेकिन आजकल के मोबाइल्स में नॉन रिमूवेबल बैटरी आ रही है, दैट मीन्स कि आप बैक कवर को ओपन नहीं कर सकते। अगर आपने बैक कवर ओपन किया होगा तो बैक कवर और मेन कवर के बीच में एक जो बाउंड्री होती है वहाँ पे हल्का सा गैप आ जाता है, वो आपस में जो टाइटन होते हैं ग्लू के थ्रू वो लूज हो जाते हैं, तो उसके बीच में आपका नाखून घुस जाता है। तो वो जो आता है पार्सल बॉय, डिलीवरी बॉय, वो जब एक्सचेंज करने के लिए आपका मोबाइल हाथ में लेता है तो सबसे पहले वो देखता है कि नाखून बीच में गैप में जा रहा है या नहीं जा रहा है। नाखून जा रहा है तो वो लोग तो यही समझेंगे कि दैट यू हैव रिमूव द बैक कवर एंड मे बी आपने अंदर का कुछ मटेरियल एक्सचेंज करके डुप्लीकेट मटेरियल लगा दिया, इसीलिए वो लोग रिसीव नहीं करते अगर आपका नाखून जा रहा होगा बीच में गैप में। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल द रूल्स। एंड नेक्स्ट रूल इज दैट योर मोबाइल फोन शुड बूट इन 30 seconds। दैट मीन्स अगर आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ किया गया और स्विच ऑन करने के बाद अगर, तो आपका मोबाइल फोन 30 seconds के अंदर बूट हो जाना चाहिए। दैट मीन्स आपकी मेमोरी क्लीन होनी चाहिए। अगर मेमोरी में कोई इश्यू होगा तो आपका मोबाइल फोन बूट होने में टाइम लगाएगा। तो जब भी आप अगर कोई मोबाइल फोन एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपने उसको पूरा क्लीन कर दिया हो, पूरा बूट कर दिया हो, उसकी सारी मेमोरी क्लीन कर दियो, उसकी कैश क्लीन कर दियो, हर चीज़ क्लीन कर दियो, जिससे कि वो बूटिंग में ज़्यादा टाइम ना लगाए। नॉर्मली अगर सब कुछ क्लीन रहता है तो फोन 30 सेकंड के अंदर बूट हो जाता है। एंड द नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट एंड द नेक्स्ट रूल इज पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन। दीज बोथ बटन्स आर द मेन बटन्स व्हेन वी आर वर्किंग ऑन बूट। जब हम बूट में काम करते हैं तो इन वॉल्यूम बटन का और पावर बटन का मेजर रोल। सो आपकी वॉल्यूम और पावर बटन्स प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए। जो डिलीवरी बॉय आएगा वो उनको टच करके, उनको प्रेस करके, उनको होल्ड करके, सब कुछ करके देखेगा उनके साथ कि आपकी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं बटन्स या नहीं कर रही। तो आप ये चीज़ भी चेक कर लें, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो यू मस्ट रिपेयर इट।
अपने रूल्स के बारे में जाना और अगर इनमें से कोई एक रूल भी अगर फॉलो नहीं होता है तो डिलीवरी बॉय ऑन द स्पॉट आपको मोबाइल रिजेक्ट कर देगा और आपका मोबाइल एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। ये हैं कांस्टेंट रूल्स, ये फिक्स रूल्स हैं जो कि डिलीवरी बॉय श्योरली चेक करेगा इन्हीं रूल्स के अंदर। अगर इनमें से कोई एक रूल भी फॉलो नहीं होता है और डिलीवरी बॉय आपका मोबाइल लेके बाय चांस हेड ऑफिस चला जाता है, तो हेड ऑफिस में जब दोबारा चेकिंग होगी और इनमें से कोई एक रूल भी अनफॉलोड निकला तो जो एक्सचेंज अमाउंट है वो डिलीवरी बॉय की सैलरी से काट लिया जाएगा। इसलिए दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज रूल्स। वो अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा होगा तो हार्डली आपका मोबाइल एक्सचेंज के लिए कंसिडर करेंगे, वो ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देंगे। थिंग इज दैट अगर आपको लगता है कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, क्योंकि अगर आप अब जान चुके हो कि कौन सी कंडीशंस होती हैं हेड ऑफिस में, अगर ये कंडीशंस आपको लगता है फॉलो कर रही हैं, इसके बाद भी अगर डिलीवरी बॉय आपका मोबाइल एक्सचेंज के लिए कंसिडर नहीं करता, तो आपके पास चांस है आप जिस ऑनलाइन स्टोर से मोबाइल एक्सचेंज कर रहे हैं उस ऑनलाइन स्टोर के हेड ऑफिस में जाकर हेड ऑफिस के पीपल्स को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका मोबाइल इन सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है और इसके बाद भी आपका मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज करने के लिए कंसिडर नहीं कर रहा है कुरियर बॉय। सो आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो, वी डोंट नो वेदर दे विल एक्सेप्ट और नॉट, लेकिन आप अगर कन्विंस करेंगे और ये रूल फॉलो कर रहे होंगे तो 100% तो नहीं 90% चांसेस हैं कि वो लोग आपका फ़ोन एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट रूल्स फॉर एक्सचेंज अ मोबाइल फोन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट अ सब्सक्राइब बटन एंड लाइक माई वीडियो। और अगर पॉलिसीज को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉलिसीज में ऐसा कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू अ रिप्लाई देयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Tata, bye-bye, and take care.